बीच बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां नागपुर से कांग्रेस के विकास ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए नागपुर सीट पर मतदान जारी। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां 48 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जिसमें 5 सीट यानी कि रामटेक, भंडारा, गोंदिया, नागपुर में वोटिंग जारी है। वहीं अन्य 2 सीट जो है वो है गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट पर मतदान जारी है। सभी चुनाव के जो नतीजे हैं वो 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 4 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर 4 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा सकती है। रामटेक पर यानी कि शिंदे गुट, शिवसेना और कांग्रेस में मुकाबला है। और महाराष्ट्र में पहले चरण की जो हॉट सीट है वो है नागपुर। नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी मैदान में हैं, और नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने वोटिंग भी कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नागपुर के टाउन हॉल में नितिन गडकरी वोटिंग करने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाला। नागपुर से कांग्रेस के विकास ठाकरे नितिन गडकरी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर आज पहले चरण का चुनाव है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें से 5 सीटों में से नागपुर जो है वो सबसे हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने कांग्रेस के विकास ठाकरे मैदान में हैं। आज का दिन हमारा लोकतंत्र का उत्सव है, और मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और मैं तो मानता हूँ कि मूलभूत अधिकार है, और इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए। और एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 12-1 बजे के पहले ही वोट कर लेंगे, तकलीफ कम होगी। और इस तमाम मतदाताओं को वैसे बहुत बहुत शुभकामना। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट रख के पूरी कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में पहले चरण की वोटिंग जारी है। नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन गडकरी मैदान में हैं, और उनके सामने विकास ठाकरे जो हैं वो कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं। दोनों के बीच सीधी टक्कर देखी जा सकती है। आपको बता दें, आज 5 लोकसभा सीट पर महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव किया जा रहा है, जिसमें से रामटेक, भंडारा, गोंदिया, नागपुर में लगातार वोटिंग जारी है। गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर सीट में वोटिंग जारी है, और सभी चुनाव के जो परिणाम हैं वे 4 जून को घोषित होंगे। 4 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन रामटेक सीट पर बात करें तो वहां से शिवसेना यानी शिंदे गुट और कांग्रेस में मुकाबला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से मंगला वागे जुड़ गई हैं। मंगला, आपसे जानेंगे कि महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर मतदान जारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, महाराष्ट्र के विदर्भ में आज 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे, उसमें महत्वपूर्ण नागपुर की सीट है, उसके बाद चंद्रपुर की सीट है, भंडारा गोंदिया के सीट पर चुनाव हो रहे, और रामटेक पर के सीट पर चुनाव हो रहे। मैं आपको बता दूं कि नागपुर की सीट इसलिए बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरे बार वह मैदान में, नागपुर के मैदान में कूद चुके हैं। उनके खिलाफ है कांग्रेस के विकास ठाकरे, उनको आह्वान दे रहे हैं। और चंद्रपुर की बात करें तो चंद्रपुर में महाराष्ट्र के वन मंत्री तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार चुनाव लड़ रहे, उनके खिलाफ है कांग्रेस के प्रत्याशी
मैं आपको बता दूं कि भंडारा गोंदिया से ये जो सीट है कांग्रेस की गढ़ मानी जाती थी वहां से, वहां में ना कांग्रेस के जो प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष है नाना पटोले, वहां में वहां भंडारा गोंदिया में उनका प्रभाव ज्यादा है, वहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी डॉक्टर प्रशांत पटोले को टिकट दी है, वो मैदान में है। और नागपुर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन गडकरी और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2014 में उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी उलास मुस्लिमवार का भारी मतों से पराभव किया था। उसके बाद 2019 में उन्होंने नाना पटोले को हरा दिया था। ये सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामटेक में शिवसेना और सिंधे गुट के राजू पारवे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल मंगला, मेरा सवाल ये है कि नागपुर सीट पर फिलहाल सुबह 9 बजे तक क्या मतदान प्रतिशत रहा, और इसके अलावा सभी सीट पर महाराष्ट्र में पहले चरण के लिए वोटर्स में कितना उत्साह देखा जा रहा है? जो नए वोटर्स हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? सुबह से 8 बजे से यहाँ पर नागपुर के चुनाव क्षेत्र में वोटिंग जारी हो रहा है। सुबह ही 8 बजे आरएसएस के जो मुखिया है निमोहन भागवत ने अपना वोट वहां पर डाला है, और ज्यादातर अभी तक 10 बजे की बात की जाए तो 20-22% तक वहां पर मतदान हुआ है। और जो नए वोटर है वहां पर भारी उत्साह देखा जा रहा है कि वो पहले बार अपने वोट कास्टिंग कर रहे, वोट दे रहे, वो चाहे कौन सी भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन जो तरुण है जो युवा वर्ग है उनके लिए वो चुनाव एक महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वो पहली बार अपना वोट कास्टिंग कर रहे हैं। जैसे वो मैं वहाँ नागपुर या चंद्रपुर की या विदर्भ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ का टेम्परेचर अभी अभी 40 तक पहुँच गया है, और जो जैसे ही दोपहर हो जाएगी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक भारी मात्रा 42 या 44 तक पहुंच सकता है। इसलिए अभी से जो मतदान है सुबह से ही मतदान करने के लिए बाहर निकल चुके हैं। बिल्कुल मंगला, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो निर्वाचन आयोग जो है उसने कड़े निर्देश दिए थे प्रशासन को कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, तो महाराष्ट्र में जिस तरह से पहले चरण का चुनाव चल रहा है सभी मतदान केंद्र पर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए ताकि जो वोटर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग आसानी से कर सके, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? जी, मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने भारी पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की है। पुलिस की व्यवस्था है या सीआरपीसी है, जहां पर गढ़चिरौली की मैं बात कर रही हूँ, नक्सली एरिया है वहां पर अपने चुनाव आयोग ने वहां या पुलिस ने वहां पर कड़े बंदोबस्त रखे हैं। पुलिस के है, सीआरपीएफ के है, आरसीएफ जवानों के बड़े पैमाने पर बंदोबस्त रखा गया है। जाकर मतदान है जो वो बिना घबराए बिना किसी के प्रभाव दे सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंगला आप तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो खबर आपको महाराष्ट्र से बता रहे हैं जहां महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर मतदान जारी है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है जिसमें रामटेक, भंडारा गोंदिया, नागपुर में वोटिंग जारी है। वहीं अन्य 2 सीट यानी कि गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर सीट पर मतदान जारी है। इन सभी चुनाव के जो नतीजे हैं वो 4 जून को घोषित हो जाएंगे। 4 सीटों में बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है महाराष्ट्र में, और अन्य जो 1 सीट है जो कि रामटेक सीट है जिस पर शिंदे गुट यानी शिवसेना और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र में पहले चरण की जो हॉट सीट है वो नागपुर है जिसमें देखना होगा कि सीधी टक्कर जो है उसमें से किसका मतदान प्रतिशत बढ़ता है, किसकी जीत होती है। ये आने वाला वक्त यानी कि 4 जून को मतदान का जो परिणाम है वो घोषित हो जाएगा।